पिथौरागढ़ के बेरीनाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती फूड पॉइजनिंग के शिकार 120 लोगों में से 9 गंभीर लोगों को हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया गया। बेरीनाग अस्पताल में भर्ती पीड़ितों में से 25 की हालत गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि पीड़ितों के इलाज में देरी न हो इसके मद्देनजर ही चौपर की व्यवस्था की गई। और हमारी विधायक जी और सारे जिलाध्यक्ष जी सभी लोगों से बात की, उसके बाद सीएम साहब से वार्ता के क्रम में ही हमने चौपर की व्यवस्था उस समय की। इतने दूर से हमारा डिस्टेंस जो है हल्द्वानी में गाड़ी से ले जाने में बहुत टाइम लगेगा, पेशेंट को समस्या भी होगी। हमने एयरलिफ्ट कराया है और कई पेशेंट हमारे एयरलिफ्ट से गए हैं। अभी मौसम की विजिबिलिटी नहीं है, मेरी अभी कमिश्नर साहब से बात हुई है और बाकी देहरादून में बात हुई है, अगर विजिबिलिटी मिलेगी तो अभी हम चौपर को फिर लाना चाह रहे हैं और चौपर आ जाए तो उसके बाद हम उनको यहाँ से जो भी और पेशेंट जाना चाहते हैं उनको करेंगे। बता दें कि बागेश्वर जिले में कपकोट तहसील के बास्ती गांव में शादी समारोह में शामिल हुए लोगों की तबीयत खाना खाने से खराब हो गई थी। इस घटना में अभी तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिथौरागढ़ से यशवंत मेहर की रिपोर्ट।